अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड हेल्थ टिप्स। आज मैंने चिकन 65 की रेसिपी बनाई है। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी है, स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो चलिए यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 kg चिकन लिया है बोनलेस। इसके को छोटे से पीसेस में कट कर लेते हैं हम। इस तरह मैंने सभी पीसों को कट कर लिया है। अब इसके अंदर 1/2 teaspoon नमक लिया है, 1 teaspoon भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 3 teaspoon मैंने योगर्ट दही लिया है। नमक, अदरक लहसुन और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम चिकन के पीसेस को। अब 2 teaspoon मैंने लाल मिर्च पाउडर लिए है, 1/2 teaspoon गरम मसाला लिया है और 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ली है, 1 teaspoon कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने। तो इसके अंदर 2 चम्मच हम मैदा यानी फ्लोर डाल लेते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी भी डाल ली है मैंने, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे 1 अंडा लिया है कोटिंग के लिए, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। एक घंटा हम मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। अब हम सॉस की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा करी लीव्स लिया है, 4 हरी मिर्च ली है, 2 सूखी लाल मिर्च ली है, थोड़ा सा लहसुन लिया है, लहसुन को बारीक चॉप कर लेना है। 1 बाउल में रेड चिली सॉस 1 स्पून लिया है, 3 से 4 टीस्पून मैंने टमाटो सॉस लिया है। सॉस आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 2 टीस्पून मैंने दही लिया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से 1 बाउल में मिक्स कर लेना है हमें। सॉस की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। अब एक पैन में मैंने 2 टीस्पून ऑयल लिया है, लहसुन को चॉप किया था उसको डाल लेती हूँ इसके अंदर। हरी मिर्च भी डाल लेना है हमें, करी पत्ता डाल लेते हैं। अब लाल मिर्च को भी डाल लेते हैं सूखी, हल्के से हम इसको फ्राई कर लेना है। अब हम इसके अंदर सॉस जो तैयार की थी इसको डाल लेते हैं। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं सॉस की। थोड़ा सा यहाँ पे गाढ़ा कर लेना है हमें। इसके अंदर नमक और लाल मिर्च भी डाल लेते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाली है मैंने, 1/4 टीस्पून नमक डाला है। अच्छे से 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेते हैं। सॉस हमारी लगभग तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे एक पैन में मैंने तेल लिया है, चिकन को फ्राई कर लेते हैं हम। चिकन पीसेस को हम लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। अब इसको अच्छे से टर्न कर लेना है। अब लगभग चिकन पीसेस हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब 1 बाउल में हम इसको निकाल लेते हैं और
बचा हुआ चिकन भी हम इसके अंदर डाल के फ्राई कर लेते हैं दोबारा से। इसको भी हम एक बाउल में निकाल लेना है सारे चिकन को। ये हमारी सॉस तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर चिकन पीसेस को डाल लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो 1 से 2 टीस्पून पानी भी ऐड कर सकते हैं थोड़ी ग्रेवी को पतली रहने के लिए। यहाँ पे मैंने ग्रेवी गाढ़ी ही रखी है। ऊपर से हरा धनिया डाल लेना है गार्निश के लिए। गर्मा गर्म हमारा चिकन 65 तैयार हो गया। अब एक बाउल में सर्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान और टेस्टी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।